मैं स्वाति आपका स्वागत करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मुझे भी हौसला मिले और मैं आगे के रेसिपीज के वीडियोस अपलोड करूँ। आज मैं लाई हूँ बीटरूट वनीला केक, जो एगलेस है प्लस बहुत पौष्टिक है, क्योंकि इसमें हमने बीटरूट का यूज़ किया है जिसमें बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं। आयरन फाइबर का बहुत ही बेजोड़ रिसोर्स है, जो बच्चों और बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत झटपट बनती है। हेलो फ्रेंड्स, इजी कुकिंग एट होम में आपका स्वागत है। चलिए बनाते हैं बीटरूट वनीला केक। इसको बनाने के लिए हमें चुकंदर या बीटरूट की ज़रूरत होगी, जिसको हम पील या छील लेंगे। छीलने के बाद इसको हम चॉप करेंगे और मिक्सी में एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। केक में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आप लोग पानी डाल के मत पीसिएगा। बहुत आसानी से चुकंदर पिस जाता है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं पिस रहा है, थोड़ा सा दूध डाल के आप पीस सकते हैं। देखिए कितने, इसको पहले चॉप कर लीजिए फिर पीस लीजिए। मैंने बता ही दिया कैसे प्यूरी बनेगी। चुकंदर बहुत ही फायदेमंद फल या सब्जी है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और फाइबर होता है। आयरन जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। जब किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा हो और आप चुकंदर दे दीजिए, तो उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। अब हम एक खाली बोल लेंगे, जिसमें सूजी या सेमोलिना को लेंगे। सूजी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें थोड़ी सी मैदा डालनी होगी हमें। ये देखिए मैदा मैंने डाल दी है। मैदा के बाद थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालेंगे इसमें। जब किसी केक में मिल्क पाउडर आप डालिए, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद इसको बीटर, फोक या स्पून की सहायता से मिला लेंगे। क्योंकि हमने सूखे पाउडर डाले थे और सूखे पाउडर के बाद तेल डाला था, अगर इसको हम नहीं मिलाएंगे तो ये अच्छे से फिर मिलेगा नहीं। देखिए पूरा बैटर अच्छे से मिल गया है। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। दूध एक साथ मत डालिएगा, दूध एक साथ डालने से लम्स या गुठली पड़ जाती हैं, जो हमें नहीं चाहिए। धीमे धीमे दूध डाल के ही एक स्मूथ बैटर बनाइए। जब भी आप केक को बीट करिए, तो कोशिश करिए एक ही मोशन में ही अपने बीटर को चलाइए, अलग अलग मोशन चेंज मत करिए। ये बेकिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अच्छे से बीट करिए। इसके बाद हम इसमें पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। ये घर की पिसी चीनी है। चीनी को मिक्सी में डाल के पीस लिया गया है और हमारा शुगर पाउडर बन गया है। इस पाउडर को आप तैयार करके एक एयर टाइट जार में रख सकते हैं। जब चाहे आप किसी भी स्वीट डिश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बैटर तैयार हो रहा है, बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी बन जाता है। और ऑलमोस्ट चीज़ें घर पे ही रहती हैं हमारे, और उससे एक हम अच्छा केक बना सकते हैं। कहीं मैंने अंडा वगैरह कोई भी इस्तेमाल मुझे नहीं करना है इसको बनाने में। अब एक हम बोल और लेंगे और इस बैटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें इस केक में दो फ्लेवर देने हैं। देखिए दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है, आधा आधा। इसके बाद इसमें हम मीठा सोडा मिलाएंगे। आप चाहिए तो पूरे बैटर में पहले से मिला लीजिए, मगर मैंने जब डिवाइड कर लिया तब मुझे इसको याद आया कि मैं पहले मतलब मुझे मिलाना है, तो मैंने आधा आधा इसमें मिला दिया है। इसके बाद मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। दोनों चीज़ें डालने की ज़रूरत है, ये नहीं कि आपने सोडा डाल दिया बेकिंग पाउडर एक चीज़ डाली, दोनों चीज़ डाली है। दोनों ही अलग अलग रोल करते हैं दा। अब देखिए हमने इस एक बैटर में चुकंदर वाली प्यूरी डाल दी है और उसको अच्छे से मिला लिया है। जिसमें हमने चुकंदर वाल का प्यूरी डाली थी, उस बैटर में थोड़ा सा रोज एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास रोज एसेंस नहीं तो कोई बात नहीं, गुलाब जल डाल सकते हैं और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दूसरे बैटर में हम वनीला फ्लेवर डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे कुछ बूंदे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ना आपको कि बीटरूट वनीला केक बना रहे हैं, एक ही केक में हमें दो फ्लेवर मिलेंगे, और अच्छे से मिला लीजिए। देखिए कितना बढ़िया
बेटा तैयार हो गया, अच्छे से फूलने लगा है। थोड़ी सी टूटी फूटी डाल देंगे जिसमें हमने वेनिला फ्लेवर डाला था, क्योंकि इससे पहले पिंक वाले में तो मैंने चुकंदर डाल ही दिया है। अब इसके बाद हम इस बैटर में दही मिलाएंगे। कुछ लोग पहले से मिला देते हैं, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि दही बाद में डालने से जो बैटर होता है बहुत अच्छा फर्मेंट होता है, और अच्छे से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के दही को हम मिला देंगे। आधा आधा मैंने दोनों बैटर में डाल दिया था। अब केक टीन को हम ग्रीस कर लेंगे। आपको जिस भी बर्तन में बनाना हो उसको अच्छे से पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, ऑयल चारों तरफ लगा दीजिए जिससे हमारा जो केक है वो चिपके ना। केक टिन तैयार हो गई है। तब तक मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री में प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब जो मेरा पिंक वाला डो बैटर था उसको मैंने केक टिन में पोर कर दिया या डाल दिया है। एक साथ दोनों बैटर हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमें हर बाइट पे अलग अलग फ्लेवर चाहिए, इसलिए अलग अलग ही इसको हम पोर करेंगे या डालेंगे। एक पिंक वाला हमने डाल दिया है, अच्छे से सारा बैटर डाल दीजिए। उसके बाद हम वेनिला फ्लेवर वाला भी इसी में धीमे से डालेंगे बीचों बीच, जिससे पूरे में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि एक बाइट में अगर दो फ्लेवर अलग अलग आएंगे तो खाने वाले को तो मज़ा आ जाएगा। देखिए पूरा बैटर मैंने डाल दिया है, अच्छे से स्पून की सहायता से डाल दीजिए। मैंने देखा दूसरे वाले बोल में थोड़ा सा बैटर रह गया है, तो वो भी मैंने ऊपर से स्पून की मदद से डाल दिया है। तो अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत जल्दी बन जाता है ना। अब इसको किसी चम्मच या बीटर की सहायता से हल्का सा मिलाएंगे, पूरा नहीं मिलाना है हमको, हल्का सा हम मिक्स कर देंगे। और इस केक के बैटर को हम 40 मिनट के लिए 180 डिग्री प्री हीट ओवन में बेक करेंगे। अपने माइक्रोवेव का टेम्परेचर आप बीच बीच में देख लीजिएगा, क्योंकि किसी का जल्दी बन जाता है, किसी को थोड़ा सा और टाइम लगता है। ऊपर से थोड़े से नट्स वगैरह हम स्प्रिंकल कर देंगे, या टूटी फूटी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो आपको मन हो वो डाल सकते हैं आप। देखिए कितना बढ़िया तैयार हो गया, ये बेक होने जाने वाला है। मैंने बेक करने के लिए इसको रखने वाली हूँ। अभी देखिए मेरा केक तैयार हो गया है। मुझे पूरा 40 मिनट लगा बेक करने में। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, बहुत अच्छा। झटपट बनने वाली रेसिपी, घर की चीज़ों से ही बच्चे फरमाइश करें और फटाक से आप बना के बच्चों को खिला दीजिए। देखिए मैंने एक टूथपिक डाला था, बिल्कुल क्लियर टूथपिक निकला था, बहुत अच्छे से पकाया और बहुत अच्छा स्पंज भी आया था। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इसको डीमोल्ड करेंगे हम। तुरंत डीमोल्ड मत करिए क्योंकि फिर चिपकने का थोड़ा सा डर रहता है। ठंडा करने के बाद केक अच्छे से आसानी से निकल जाता है। देखिए अब मैं आपको डीमोल्ड करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया केक तैयार हुआ, कहीं चिपका विपका भी कुछ नहीं है, इतना सॉफ्ट है। आप लोग भी अपने घर में बनाइए, बच्चों को बड़ों को सबको खिलाइए। पौष्टिक तत्वों से भरपूर केक है ये, और एक तो कहीं पड़ा ही नहीं है। जल्दी से बनाइए, मुझे मुझे भी बताइए।